में ही आप ये दो तीन उपाय करेंगी तो कहीं ना कहीं आपका अंडा अच्छा बनने लगेगा और आपका अंडा जो है एक जो है फूटेगा, रप्चर हो, गर्भधारण हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का जो एग है वो नहीं फूट रहा है। एग ना फूटने की वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उनको गर्भधारण नहीं हो रहा है। तो अगर आप भी ये उपाय करोगे तो आपका एग जो है फूटने लगेगा और आपका अंडा रप्चर होकर बाहर निकलेगा और आपको गर्भधारण हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में, आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि वो कौन से उपाय हैं। तो सबसे पहला फ्रेंड्स, आपको एक चीज समझना है कि हमारे समाज में बहुत सारी जो है प्रकृति के लोग होते हैं, बहुत सारी जो है सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो आपको अपनी बॉडी के अनुसार जो है देखना है कि आपकी बॉडी कैसी है। जो मैं इस वीडियो में बात को समझा रही हूँ, उस बात को जरा गौर से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले आपको जब सुबह सुबह उठना है तो सुबह में इन चीजों का इस्तेमाल जरूर करना है। अगर आप सादा पानी ले रहे हो, यानी कि एक गिलास गुनगुना पानी लेके और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो, तो सबसे पहले उसमें क्या करें, नींबू का इस्तेमाल कर ले, शहद का इस्तेमाल कर ले, या फिर आप जो है सादा पानी भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नींबू शहद नहीं लेना चाहते हो तो नहीं, लेकिन आप नींबू शहद लोगे तो इससे आपका मोटापा भी कम होगा, इससे आपका मूड जो है इनहेंस रहेगा, आपका मूड जो है फ्रेश रहेगा। इसके अलावा अगर आपको फाइब्रॉइड है, रसौली है, गांठ है, या फिर आपको बच्चेदानी में सूजन वगैरह है, बच्चेदानी में कोई चीज की, आंवले का रस लो पानी में मिला के, मोरिंगा का जूस लो, मोरिंगा का जूस बिल्कुल ही आपको आसानी से जो है मिल जाएगा। बीट ग्रास जूस, आंवले ले लो, या फिर बीट ग्रास जूस ले लो, या फिर मोरिंगा ले लो, इन तीनों में से कोई एक चीज लेना है। ऐसा नहीं करना है कि तीनों के तीनों ले लेने हैं, नहीं, इसमें से कोई एक होम रेमेडी का इस्तेमाल करना है। सुबह सुबह में आप पानी में इसको डाल के ले लीजिए। और ये आप बात करोगे कि मिलेगा कहाँ, तो ये मिलेगा जो मेरा चैनल है वहां पे मैं इसका जो है वीडियो, इससे जो भी जो मैंने इस वीडियो में होम रेमेडिया बताई है उसका लिंक लगा दूंगी। आप यहाँ पे वीडियो पे एक प्रोडक्ट आपको दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करके आप वहां से परचेज कर सकते हो, वहां से आप खरीद सकते हो। तो इन तीनों में से कोई भी एक जो है बीट ग्रास जूस ले लीजिए, या फिर मोरिंगा का जूस ले लीजिए, या फिर आंवले का जूस ले लीजिए, इन तीनों में से कोई एक ले लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, अगर आपका अंडा ठीक से नहीं बन रहा है, तो सुबह सुबह ही आप एक जो है दो लौंग का पानी इस्तेमाल करिए। दो लौंग ले लीजिए, उसको रात को भिगो दीजिए और सुबह में लौंग को छान के हटा दीजिए, उस लौंग के पानी का इस्तेमाल करिए। तो इस पानी का, अगर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, अंडा नहीं बन रहा है, तो लौंग के पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आपका ओवुलेशन का फेज है, यानी कि फॉलिकुलर का फेज है, अंडे निकलने का समय है, तो आप यहाँ पे सौंफ का पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। सौंफ के पानी का चाय, सौंफ का पानी भी ले सकते हो, सौंफ के चाय भी ले सकते हो, इसका शरबत या सौंफ का चाय भी ले सकते हो। इसमें आप ढेले वाली जो मिश्री आती है उसका इस्तेमाल करके, या फिर शहद का इस्तेमाल करके आप इसका ले सकते हो। सुबह सुबह में खाली पेट ही लेना है। अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा, यानी कि आपका वात जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, आपको बॉडी हीट बहुत ज्यादा रहती है, पेट में गर्मी रहती है, तो आप जो है धनिए का पानी या फिर आप जो है गोंद कतीरे का इस्तेमाल जरूर आप करिए। सुबह सुबह ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। धनिए का पानी का इस्तेमाल सुबह में करिए और गोंद कतीरे का इस्तेमाल सूर्य जो अस्त होते हैं उससे पहले दिन भर में कभी भी आप कर लीजिए। इसका जो इस्तेमाल छाछ में बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा, तो ये दोपहर में आप कर सकते हो। आपको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है तो आप एक काम करें, आप एक दाल जो है दालचीनी स्टिक्स का, जो दालचीनी का स्टिक्स आता है ना, उसका इस्तेमाल करें। उस स्टिक्स को आधा तोड़ दें, तोड़ने के बाद उसको आप रात को एक गिलास पानी में डिप करके रख दें, वो पूरा अपना जो भी है उसकी एंटी प्रॉपर्टीज वो उसमें छोड़ देगा, और उसका इस्तेमाल करें, शहद के साथ इस्तेमाल करें। ये आपको बहुत ज्यादा जो है फायदा करेगा, पीसीओडी वाले पेशेंट को बहुत ये फायदा करता है। सुबह सुबह में आप इसका इस्तेमाल करोगे तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देख के आपके अंदर क्या है क्या नहीं है, मैं तो नहीं बता सकती कि आपके अंदर क्या है, ये चीज आपको खुद से अपनी चीजों को समझना पड़ेगा, उसके अनुसार आप इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आप सुबह में उठे, ये सारे जो है ये काम कर लीजिए, कोई भी पानी ले लीजिए, उसके बाद आपको वॉकिंग करने हैं आधे घंटे, बिल्कुल ही आप आधे घंटे में वॉकिंग करें, सूर्य नमस्कार करें, इसके साथ साथ आप जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। इसके साथ अगर आप
और भी आपके पास टाइम है तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज करें, ये सारे एक्सरसाइज करें, लेग अप डबल पोजीशन करें जिसको विपरीत करनी आसन भी बोला जाता है, ये सारे काम करें। उसके बाद आपको जो है आपका अब आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आपको हैवी ब्रेकफास्ट लेना है, आप दलिया ओट्स, इसके साथ साथ नट्स का इस्तेमाल करें। नट्स में आप जो है बादाम हो गया, अखरोट हो गया, किशमिश हो गया, अंजीर हो गया, दो अंजीर, ये सारे को भिगो दो, भिगो के और इसका सुबह सुबह में आप इस्तेमाल करो। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो लंच होता है, लंच बिल्कुल हैवी, बिल्कुल ही बहुत हैवी आपको लंच करने हैं। लंच में आपको पूरे के पूरे डाइट होने चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गए, इसके साथ सैलेड हो गया, इसके साथ साथ चावल दाल रोटी सब्जी हर चीज होने चाहिए। उसके बाद आप जो है जब शाम का टाइम आता है तो उस समय आप हल्के फुल्के कोई भी स्नैक्स के रूप में आप जो है सीड्स का इस्तेमाल करें। सीड्स जो मैंने उस पर अभी अभी वीडियो बना के रखा है उसका इस्तेमाल करें, इससे आपके हार्मोन बैलेंस होंगे, पीएमएस की समस्या दूर होगी, आपका अंडा नहीं बन रहा है वो बनेगा, अगर आपको कोई हार्मोन की कमी होगी वो बनेगी, तो आप सीड्स का इस्तेमाल करें। उसके बाद डिनर आपका लाइट होना चाहिए और एक गिलास दूध का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें, बहुत ये आपको बेनिफिट देने वाला है। इस ऐसे आप अपना डाइट चार्ट रखोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी जरूर हो जाएगी। अगर आपका रिपोर्ट सारा नॉर्मल है तो आप ओवुलेशन और रिलेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। और फ्रेंड्स आप बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि मेरा सारा चीज नॉर्मल है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं तो ही आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके काम का लगा होगा। और दूसरी